हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की टाइप थर्ड जो बेस्ड है नंबर्स के ऊपर ठीक है मैं आपको बता दूं टाइप थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है पॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के आए होते हैं एग्जाम में ठीक है तो इस टाइप को करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ है वो हम देख लेते हैं जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको हम कहेंगे कि दो नंबरों के सम का जब भी करना होगा तो एक्स प्लस वाई का होल स्केयर क्या कहेगा एक्स कहेगायर प्लस वाई प्लस टू एक्स वाई ठीक है ये आइडेंटिटी आपकी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसमें ए प्लस बी का होल स्केयर क्या कहता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी ठीक है सेम नेक्स्ट क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्केयर तो यह बनेगा ए माइनस बी का होल स्केयर तो क्या कहता है ए माइनस बी का होल स्केयर ए स्क्यर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी तो अगर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये क्या बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस सॉरी प्लस बाई स्केयर माइनस टू एक्स बाई ठीक है नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस बाई स्क्वेयर आइडेंटिटी क्या है जे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या कहता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो सेम क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस बाई नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस बाई स्क्वेयर ये आइडेंटिटी है आपकी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ठीक है तो इसे जब भी करोगे इसे आप दो तरह से कर कर सकते हो पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस टू ए बी और दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस टू ए बी देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी और ये साथ में 2AB. प्लस टू ए बी ये प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कट जाएगा और ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र ठीक है तो इसी तरह से आप इसे भी सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र ही बनेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या बनेगा ये फिर ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई जहाँ फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ठीक है ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी थी चलिए चलते हैं क्वेश्चनों पे और जो भी आइडेंटिटी भी, बीच में आएगी उसे साथ साथ सॉल्व करेंगे ठीक है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इफ वन थर्ड ऑफ ए नंबर किसी नंबर का वन थर्ड इज सिक्स मोर देन द नंबर उस नंबर से सिक्स ज़्यादा है ठीक है तो देन फाइंड द नंबर तो बताओ वो नंबर क्या होगा हम लेट कर लेते हैं लेट द नंबर नंबर क्या होगा हम मान लेते हैं वो एक्स है एक्स है वो नंबर जिसे हमने सॉल्व करना है ठीक है क्वेश्चन में बोला गया है इफ वन थर्ड ऑफ ए नंबर का होगा नंबर हमने लेट है, x, तो वो बन जाएगा वन थर्ड ऑफ एक्स सिक्स ज्यादा है किससे उस नंबर से मतलब ये वो नंबर है इससे सिक्स ज्यादा है तो वन थर्ड ऑफ एक्स सिक्स ज्यादा है मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो सिक्स होगा ठीक है तो जहाँ से एक्स माइनस थ्री की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी पहले एक्स के साथ होगी तो थ्री एक्स बन जाएगा और एल्शियम थ्री आ जाएगा फिर एल्शियम की सिक्स से होगी तो जब बन जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स इंटू थ्री करेंगे तो एटीन आ जाएगा तो जहाँ से एक्स में से माइनस थ्री एक्स होगा तो माइनस टू एक्स आ जाएगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस किया तो माइनस टू एक्स आएगा वो बन जाएगा आपका एटीन के ऊपर और जहां से x आपका बन जाएगा माइनस एटीन बाय टू टू इंटू नाइन तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस नाइन यानी कि वो नंबर क्या होगा जो हमने सॉल्व करना है वो होगा माइनस नाइन या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं देखिए उन्होंने बोला इफ वन थर्ड ऑफ ए नंबर किसी नंबर का वन थर्ड नंबर हमने मान लिया एक्स तो x का वन थर्ड होगा तो x बाय थ्री आ जाएगा यानी कि वन थर्ड ऑफ x बन जाएगा जे सिक्स ज़्यादा है किससे उस नंबर से तो वो नंबर x है x से सिक्स ज़्यादा है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपकी ठीक है तो जहाँ से x इक्वल टू थ्री की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो थ्री इन टू एक्स थ्री एक्स प्लस सिक्स इन थ्री करेंगे तो एटीन बन जाएगा तो जहाँ से एक्स चाहे आप एटीन को इस साइड ले आइए चाहे आप थ्री एक्स को ले आइए ठीक है तो माइनस थ्री एक्स होगा एटीन के उकुल तो थ्री एक्स में से टू एक्स जाएगा तो टू एक्स आ जाएगा लेकिन बड़ी टर्म माइनस की है तो माइनस के साथ आएगा ठीक है तो जहाँ से टू इंटू नाइन करेंगे तो एटीन माइनस एक्स होगा नाइन के ऊपर और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस नाइन माइनस नाइन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन फोर्थ ऑफ वन एट ऑफ ए नंबर वन फोर्थ ऑफ वन एट ऑफ ए नंबर इज थ्री हंड्रेड किसी नंबर का नंबर हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं वो नंबर है एक्स एक्स का वन थर्ड सॉरी वन फोर्थ तो वन फोर्थ होगा तो वन बाई फोर आ जाएगा इंटू हाफ वन एट तो वन बाय एट एक्स का वन फोर्थ और वन किसके इक्वल है थ्री हंड्रेड के जो इक्वल होगा थ्री हंड्रेड के ठीक है तो जहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री हंड्रेड इंटू वन बाय फोर और वन बाय एट इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो बन जाएंगे फोर बाय वन और एट बाय वन यानी कि फोर और एट बन जाएंगे ये होगा वो नंबर अब निकालना क्या है वन फिफ्थ ऑफ द सेम नंबर इस नंबर का वन फिफ्थ जहां तो आप थ्री हंड्रेड के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर सीधा वन फिफ्थ के साथ हमने निकालना है वन फिफ्थ ऑफ नंबर नंबर क्या है एक्स तो ये बन जाएगा वन फिफ्थ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है थ्री हंड्रेड इंटू फोर इंटू एट तो यहाँ से फाइव इंटू सिक्स होगा थर्टी और सिक्सटी से चला जाएगा थ्री हंड्रेड तो एट इंटू फोर करेंगे थर्टी टू आ जाएगा थर्टी टू इंटू सिक्सटी बन जाएगा आप थर्टी टू इंटू सिक्सटी नहीं करिए आप सिंपल थर्टी टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करिए तो सिक्स इंटू टू करेंगे ट्वेल्व आ जाएगा वन कैरी सिक्स इंटू थ्री करेंगे एटीन और कैरी वाला वन करेंगे नाइनटीन ठीक है आपने थर्टी टू की मल्टीप्लाई सिक्स से की जबकि करनी किससे थी सिक्सटी से एक जीरो था तो आप आंसर के साथ एक जीरो लगा लिए ठीक है और आपका आंसर होगा वन नाइन टू जीरो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ देखिए क्या बोला गया है वन फोर्थ ऑफ आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई वन एर्थ ऑफ ए नंबर किसी नंबर के वन फोर्थ का वन एर्थ वो कितना है थ्री हंड्रेड ठीक है उन्होंने बोला है वन फोर्थ वन फोर्थ होता है वन बाय फोर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वन एट यानी कि वन एर्थ होगा जहाँ पे ठीक है तो वन बाय एट आ जाएगा ऑफ़ ए नंबर नंबर मैंने लेट कर लेना है एक्स ठीक है या फिर कुछ भी कर लीजिए एम कर लीजिए वो नंबर है एम और इज इज का मतलब है इक्वल टू किसके इक्वल है थ्री हंड्रेड के ठीक है तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री हंड्रेड इंटू फोर इंटू एट ठीक है तो ये बन जाएगा एट इंटू फोर करेंगे थर्टी टू थर्टी टू की थर्टी टू इंटू बनेगा थ्री हंड्रेड ठीक है तो आपने करना क्या है थर्टी टू इंटू थ्री हंड्रेड आपका एम तो निकालना क्या है वट इज़ द वन फिफ्थ इस एम का वन फिफ्थ यानी कि हमने निकालना है वन फिफ्थ ऑफ एम तो ये बन जाएगा वन फिफ्थ ऑफ थर्टी टू इंटू थ्री हंड्रेड अब देखो काटना कैसे है फाइव इंटू सिक्स करेंगे तो थर्टी आ जाएगा फाइव इंटू सिक्स करेंगे तो थर्टी आ जाएगा बट जहां पे थ्री हंड्रेड है तो फाइव इंटू सिक्सटी करेंगे तो बन जाएगा थ्री हंड्रेड ठीक है फिर थर्टी टू इंटू सिक्सटी करना है तो थर्टी टू मल्टीप्लाई सिक्सटी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वन नाइन टू जीरो और वन नाइन टू जीरो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टू फिफ्थ ऑफ वन फोर्थ ऑफ थ्री सेवन ऑफ ए नंबर इज फिफ्टीन लास्ट क्वेश्चन की तरह ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई ठीक है टू फिफ्थ टू फिफ्थ का मतलब है टू बाय फाइव ऑफ मल्टीप्लाई होगा ऑफ वन फोर्थ यानी कि वन बाय फोर इंटू थ्री सेवन्थ थ्री सेवन्थ का मतलब थ्री बाय सेवन ऑफ ए नंबर ऑफ ए नंबर तो नंबर को मैं लाइड कर लेता हूँ वो नंबर है एम ठीक है इज कितना है फिफ्टीन है तो बताओ वट इज़ द हाफ ऑफ़ दैट नंबर तो इस नंबर का हाफ़ कितना होगा तो पहले तो हम एम की वैल्यू निकाल लेते हैं एम इक्वल टू फिफ्टीन अब याद रखना जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई कर रही हो और इक्वल टू के दूसरी साइड जाए तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाती है जहाँ फिर हम कह सकते हैं टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है ठीक है तो टू बाय फाइव उस साइड जाएगा तो बन जाएगा फाइव बाय टू इंटू फोर बाय वन इंटू सेवन बाय थ्री ठीक है तो जहाँ से टू से कटेगा फोर और थ्री इंटू फाइव करेंगे बन जाएगा फिफ्टीन तो ये बन जाएगा आपका फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू टू इंटू सेवन फोटीन एम की वैल्यू ये बन जाएगी ठीक है और हमने निकालना क्या है वट इज़ हाफ ऑफ दैट नंबर यानी कि वन बाई टू ऑफ़ एम एम बाई टू एम का हाफ करना है तो हाफ़ करेंगे ये बन जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोटीन बाय हाफ़ हाफ़ करेंगे टू से तो टू इंटू सेवन कट जाएगा तो ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन करेंगे तो वन फाइव आएगा और वन सेवेंटी फाइव होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ वन सेवन ऑफ ए नंबर इज सप्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द रिजल्ट इज थर्टी लेस देन द नंबर फाइंड द नंबर देखिए इक्वेशन किस तरह से बनानी होती है ठीक है सिंपल तरीका है इक्वेशन बनाने का जिस तरह से क्वेश्चन में बोला गया हो उसी तरह से सिंपल सिंपल इक्वेशन बन जाएगी ठीक है देखिए वन सेवन ऑफ ए नंबर कहता है किसी नंबर का वन सेवन इज सप्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर उसे उस नंबर से सप्ट्रैक्ट करें यानी कि माइनस करें तो वो नंबर क्या होगा मैं लेट कर लेता हूँ वो नंबर होगा एक्स तो x में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके वन सेवन को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का साइन आएगा वन सेवन ऑफ नंबर नंबर क्या है x तो वन सेवन ऑफ x बन जाएगा द रिजल्ट और जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट होगा इक्वल टू के इक्वल ठीक है, है? इज थर्टी लेस देन डैट ऑफ नंबर उस नंबर का थर्टी लेस होगा तो नंबर है x x का थर्टी लेस करेंगे तो माइनस थर्टी बन जाएगा ठीक है तो निकालना क्या है फाइंड द नंबर यानी कि x की वैल्यू निकालनी है तो सेवन इंटू एक्स होगा सेवन एक्स माइनस एक्स by सेवन इक्वल टू एक्स माइनस थर्टी बन जाएगा जहाँ से सेवन एक्स में से एक्स जाएगा तो सिक्स एक्स आ जाएगा और नीचे सेवन की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो बन जाएगा सेवन इंटू एक्स करेंगे सेवन एक्स आ जाएगा माइनस सेवन इंटू थर्टी करेंगे तो टू टेन आ जाएगा ठीक है अब सिक्स एक्स और सेवन एक्स सेवन एक्स बड़ा है तो सेवन एक्स को रहने दो तो यहीं पर सिक्स एक्स इस साइड प्लस का है इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा ठीक है और माइनस टू टेन इस साइड आएगा तो प्लस टू टेन बन जाएगा तो 7x में से 6x जाएगा तो x आ जाएगा x आपका 210 तो x ही हमने निकालना था x की वैल्यू क्या आ गई 210 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 210 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ 10 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर किसी नंबर के 5 टाइम से 10 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हम पहले लेट कर लेते हैं उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स ठीक है अब क्या कह रहा है कि फाइव टाइम्स ऑफ ए नंबर तो नंबर का फाइव टाइम करेंगे तो फाइव एक्स बन जाएगा इसमें से सब करेंगे टेन तो माइनस टेन आ जाएगा ठीक है देन नंबर विल बी इक्वल टू और ये नंबर इक्वल हो जाएगा किसके टू द नंबर फाउंड एडिंग एट टू फोर टाइम ऑफ डेट नंबर उस नंबर के नंबर क्या है वो नंबर है हमारा एक्स तो इसका फोर टाइम करेंगे तो फोर एक्स और इसमें एट को एड करेंगे तो प्लस एट बन जाएगा ठीक है ये इक्वेशन बन जाएगी देखिए क्वेश्चन इतना लेंथी है लेकिन है बड़ा सिंपल फाइव एक्स फोर एक्स फोर एक्स इस साइड आएगा तो माइनस फोर एक्स बन जाएगा एट अपने घर में रहेगा और माइनस टेन इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस टेन बन जाएगा ठीक है तो फाइव एक्स में से फोर एक्स जाएगा एक्स आ जाएगा और एट और टेन ऐड करेंगे तो एटीन बन जाएगा एक्स हमने लेट किया था वो नंबर और वही नंबर हमने निकालना है यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई एटीन एटीन होगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर अगर किसी स्टूडेंट को सेम हैंड रिटन नोट्स चाहिए ठीक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम यही विद सोल्यूशन तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी एक्सप्लोजन सेम इसमें एस और ई e को चैप्टर रखना ठीक है स्टडी एक्सप्लोजन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैन एट टाइम्स ऑफ ए नंबर किसी नंबर का एट टाइम इज एडेड टू फोर उसको एड करें फोर के साथ द रिजल्ट अपटेंड और जो रिजल्ट निकलेगा वो बन जाएगा द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो मैंने सेकंड वीडियो में करवाया है आपको डिजिट तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा अगर किसी स्टूडेंट ने सेकेंड वीडियो देखिए तो वो बता देगा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर होगा वन जीरो जीरो यानी कि हंड्रेड ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है एट टाइम ऑफ ए नंबर पहले तो हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं लेट द नंबर भी एक्स ठीक है तो एट टाइम ऑफ एक्स एट टाइम ऑफ एक्स क्या बनेगा एट एक्स इज एडेड टू फोर इसमें ऐड करेंगे फोर को ऐड करना यानी कि सम करना और जो रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा स्मालेस्ट थ्री डिजिट नंबर और स्मालेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है हंड्रेड तो ये इक्वल हो जाएगा हंड्रेड के, ठीक है जहाँ से एट एक्स इक्वल टू हंड्रेड प्लस फोर इस साइड आएगा तो माइनस फोर हो जाएगा ठीक है हंड्रेड में से फोर जाएगा तो नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स होगा आपका एट एक्स के इक्वल और हमने निकाली है एक्स की वैल्यू एक्स बन जाएगा नाइन्टी सिक्स बाय एट तो एट इंटू ट्वेल्व करेंगे नाइन्टी सिक्स तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेल्व इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा ट्वेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वेंटी टू दो नंबरों का सम है ट्वेंटी टू फाइव टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू सिक्स टाइम ऑफ अदर कहते हैं फाइव टाइम अगर फर्स्ट नंबर का करें तो वो इक्वल हो जाता है सिक्स टाइम्स सेकंड के फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर तो उन दोनों नंबरों में जो बड़ा नंबर है वो बताइए क्या है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर दो नंबर हैं तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ठीक है फर्स्ट को लेट कर लेते हैं एक्स से और सेकंड क्या होगा बाई ठीक है तो सम ऑफ टू नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर एक्स प्लस बाई करेंगे जो हमने नंबर लेट किए हैं एक्स और बाई तो हमारे आईडी से सम क्या होगा एक्स प्लस बाई लेकिन उन्होंने दिया कि सम कितना है ट्वेंटी टू तो एक्स प्लस वाई किसके होगा ट्वेंटी टू ये आपकी कंडीशन फर्स्ट बन गई सेकंड नेक्स्ट फिर लाइन में बोला गया है फाइव टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू सिक्स टाइम द अदर फाइव टाइम ऑफ वन नंबर तो वन नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर क्या है हमारा एक्स तो इसका फाइव टाइम करेंगे तो फाइव एक्स बन जाएगा और ये इक्वल है सिक्स टाइम ऑफ सेकंड सेकंड के सिक्स टाइम के इक्वल यानी कि सिक्स बाई तो जहाँ से एक्स की वैल्यू हम हम निकाल लेते हैं तो एक्स बन जाएगा फाइव इस साइड आएगा तो सिक्स के नीचे आ जाएगा सिक्स बाई फाइव बाई ठीक है तो यही एक्स की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स क्या है आपका सिक्स बाई फाइव बाई प्लस बाई इक्वल टू ट्वेंटी टू ठीक है और जहाँ से फाइव की मल्टीप्लाई होगी पहले सिक्स बाई प्लस जब एल्शियम लेंगे तो फाइव इंटू बाई करेंगे फाइव बाई आ जाएगा और नीचे एल्शियम फाइव आ जाएगा इक्वल हो जाएगा ट्वेंटी टू के तो जहाँ से सिक्स बाई और फाइव बाई ऐड करेंगे इलेवन बाई आ जाएगा और फाइव की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ठीक है तो फाइव इंटू ट्वेंटी टू बन जाएगा और जहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी फाइव इंटू ट्वेंटी टू बाई इलेवन तो इलेवन इंटू टू करेंगे ट्वेंटी टू आ जाएगा तो फाइव इंटू टू करेंगे टेन वाई की वैल्यू क्या आ गई टेन अब इक्वेशन क्या थी सम ऑफ टू नंबर दो नंबरों का सम था ट्वेंटी टू जिसमें एक नंबर टेन है तो अदर नंबर क्या होगा ठीक है तो इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी टू तो अगर वाई आपका टेन है टेन है तो एक्स कितना होगा ट्वेंटी टू बनाने के लिए ठीक है तो ट्वेल्व प्लस टेन करेंगे आपका बन जाएगा ट्वेंटी टू तो वाई आपका टेन है और एक्स आ गया आपका ट्वेल्व और पूछा क्या है उन्होंने फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर इन दोनों नंबरों में बड़ा कौन सा है तो बड़ा टेन है या ट्वेल्व है तो बड़ा कौन सा है ट्वेल्व ट्वेल्व होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बार बार कहना पड़ रहा है वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ठीक है और कमेंट में भी जरूर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज थ्राइस ऑफ देयर सम दो नंबरों की प्रोडक्ट उसके सम के तीन गुना है इफ फर्स्ट नंबर इज डिवेल्व अगर पहला नंबर डवेल्व है तो फाइंड द सेकेंड नंबर बताओ सेकेंड नंबर क्या होगा हमें निकालना है सेकेंड नंबर तो जो चीज़ निकालनी होगी उसी को लेट कर लिया करो ठीक है तो लेट कर लेते हैं हम सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर को हम लेट कर लेते हैं एक्स है तो सेकंड नंबर अगर एक्स है फर्स्ट उन्होंने गिवन दिया है तो फर्स्ट नंबर क्या है ट्वेल्व ठीक है अब आ जाओ क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो नंबरों की प्रोडक्ट तो हम दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करेंगे प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई तो जो बन जाएगा एक्स मल्टीप्लाई ट्वेल्व तो उन्होंने कहा है इनकी प्रोडक्ट जो है इज थ्राइस ऑफ देयर सम उनके सम का तीन गुना है तो उनका सम क्या होगा इन दोनों नंबरों का सम करेंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस ट्वेल्व और इसका थ्री टाइम ठीक है तो ये ट्वेल्व इंटू एक्स करेंगे ट्वेल्व एक्स बन जाएगा और थ्री की मल्टीप्लाई एक्स से होगी थ्री एक्स आ जाएगा प्लस ट्वेल्व इंटू थ्री करेंगे तो थर्टी सिक्स आ जाएगा ठीक है तो जहाँ से ट्वेल्व एक्स थ्री एक्स इस साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स तो ट्वेल्व में से थ्री जाएगा तो नाइन नाइन एक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स तो एक्स जहाँ से बन जाएगा थर्टी सिक्स बाय नाइन तो नाइन इंटू फोर से कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर एक्स कितना आ गया फोर यानी कि सेकंड नंबर आ गया फोर और फर्स्ट नंबर उन्होंने दिया था ट्वेल्व ठीक है तो पूछा गया सेकंड नंबर सेकंड नंबर क्या है, second number. Second number क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए ए नंबर इज सप्लिट इन टू टू पार्ट एक नंबर है जो विभाजित होता है दो हिस्सों में यानी कि दो हिस्सों में टूटता है सच डेट वन पार्ट इज फोर्टीन मोर देन द अदर कहता है जो फर्स्ट पार्ट है वो दूसरे पार्ट से फोर्टीन ज़्यादा है में टूटता है ठीक है एंड द रेशो ऑफ द टू पार्ट और दोनों पार्ट की जो रेशो बनती है वो बनती है सेवन रेशो फाइव तो फाइंड द नंबर बताओ वो नंबर क्या होगा तो मैं लेट कर लेता हूँ वो नंबर है एन ठीक है अब ये एन दो पार्ट में विभाजित होता है उसने बोला है फर्स्ट पार्ट फोर्टीन ज़्यादा है सेकंड से अदर से तो मान लो ये आपका अदर पार्ट है और ये आपका वन पार्ट है जहाँ फर्स्ट पार्ट है ठीक है तो अदर पार्ट को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स और वन पार्ट क्या होगा फोर्टीन ज़्यादा होगा तो एक्स प्लस फोर्टीन होगा ठीक है एक्स प्लस फोर्टीन होगा तो इन दोनों पार्ट की जो रेशो बनती है वो बनती है सेवन रेशो फाइव यानी कि हमारे आईडी से जो फर्स्ट पार्ट बना है वो बना है एक्स प्लस फोर्टीन और सेकंड पार्ट बना है एक्स रेशो लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे बट उन्होंने रेशो दे दी है सेवन बाय फाइव ठीक है तो जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इंटू एक्स प्लस फोर्टीन तो फाइव इंटू एक्स करेंगे फाइव एक्स प्लस फोर्टीन इंटू फाइव करेंगे तो 70 बन जाएगा और एक्स की सेवन से होगी तो सेवन एक्स तो यहाँ से सेवनटी इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स तो सेवनटी इक्वल टू सेवन में से फाइव जाएगा तो टू एक्स बन जाएगा ठीक है तो टू एक्स टू सेवनटी और जहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेवनटी बाय टू यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी थर्टी फाइव और एक्स किसे हमने लेट किया है अदर पार्ट को ठीक है तो अदर पार्ट हमारे पास निकल के आ गया अदर पार्ट एक्स एक्स बन जाएगा थर्टी फाइव और वन पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है जिसे हमने लेट किया है एक्स प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टीन तो एक्स आ गया थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस फोर्टीन करेंगे तो बन जाएगा फोर्टी नाइन ठीक है अब हमने निकालना है वो नंबर ये नंबर नंबर जो स्प्लिट हुआ था दो हिस्सों में तो पहला हिस्सा बन गया फोर्टी नाइन और दूसरा हिस्सा बन गया थर्टी फाइव तो ये नंबर क्या होगा जब नंबर निकालेंगे तो दोनों हिस्सों को हम दोबारा जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एट्टी फोर एट्टी फोर होगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर एक और मेथड देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो नंबर है हमारा नंबर स्प्लिट हुआ था दो हिस्सों में फर्स्ट हिस्सा बना था एक्स प्लस फोर्टीन और सेकंड वाला पार्ट बना था एक्स जिसको हमने लेट किया था ठीक है और जहाँ पे बन जाएगा एक्स प्लस फोर्टीन बाय एक्स और रेशो क्या थी इसकी सेवन बाय फाइव अब इसे ध्यान से समझना देखिए एक्स और सॉरी सेवन और फाइव में देखिए सेवन है फर्स्ट पार्ट की रेशो और फाइव है सेकंड पार्ट की रेशो ठीक है इन दोनों में डिफरेंस कितना है फाइव सेकंड अदर पार्ट है और सेवन फर्स्ट पार्ट की रेशो है तो अदर पार्ट से फर्स्ट पार्ट वाली रेशो कितनी ज़्यादा है टू ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमने लेट किया है उसके अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट x है और फर्स्ट पार्ट x प्लस फोर्टीन है यानी कि फोर्टीन ज़्यादा है तो टू की वैल्यू फोर्टीन के इक्वल आ जाएगी और वन आपका बन जाएगा सेवन के ऊपर ठीक है अगर टू फोर्टीन के इक्वल है तो वन किसके इक्वल होगा सेवन के इक्वल ठीक है किस तरह से बना सर टू इक्वल टू फोर्टीन था तो वन की वैल्यू बन जाएगी टू को नीचे ले आओ फोर्टीन बाय टू तो कट के सेवन बन जाएगा वन इक्वल टू सेवन ठीक है वन की वैल्यू कितनी आई सेवन और रेशो में क्या दिया गया था अब देखिए रेशो रेशो फाइव और सेवन थी अगर वन की वैल्यू सेवन है तो फाइव की वैल्यू कितनी बन जाएगी फाइव इंटू सेवन और सेवन की वैल्यू कितनी बन जाएगी सेवन इंटू सेवन तो सेवन इंटू सेवन करेंगे फोर्टी नाइन और फाइव इंटू सेवन करेंगे थर्टी फाइव और ये आपका अदर पार्ट था जो आपका फर्स्ट पार्ट था जब जा फोर्टीन ज़्यादा था आप चेक कर लीजिए फोर्टीन ही ज़्यादा है दोनों ठीक है फर्स्ट पार्ट सेकंड से तो हमने वो नंबर बताना है नंबर दोनों पार्ट से बना था तो फोर्टीन प्लस थर्टी फाइव करेंगे बन जाएगा एट्टी फोर एट्टी फोर था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ठीक है बार बार कहना पड़ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में ठीक है और जो चैनल को जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यानी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पी मिलती जाए साथ साथ और किसी स्टूडेंट को अगर हिस्ट्री की पॉलिटी की या जोग्राफी की हैंड रिटन नोट्स चाहिए मैंने खुद बनाए हैं तो मैं उसको PDF पी भी सेंड कर दूंगा ठीक है टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता देना मैं आपको बता दूँगा सेंड कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर दो पॉजिटिव नंबरों का सम है फोर्टी एंड देयर डिफरेंस और उनके बीच अंतर है नाइन का तो बट आर द नंबर बताओ वो नंबर क्या होंगे ठीक है देखिए मैं लेट कर लेता हूं लेट द नंबर्स भी दोनों नंबर क्या होंगे एक एक्स होगा और दूसरा वाई ले लेते हैं ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़ फोर्टी फाइव दो नंबर हैं जिसे हमें लेट कर लिया है हमने एक्स और वाई तो एक्स सम करेंगे तो एक्स प्लस वाई बन जाएगा तो एक्स प्लस वाई कितना है फोर्टी फाइव नेक्स्ट स्टेटमेंट में है एंड देयर डिफरेंस और उनका डिफरेंस कितना है नाइन अब मैं आपको एक क्वेश्चन जहाँ पर पूछना चाहता हूँ जहाँ पर उन्होंने वर्ड लिखा है डिफरेंस जहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिख सकते तो आपका आंसर होगा सर डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट एक ही तो बात है मैं आपको बता दूं डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट एक बात नहीं है जानिए इस चीज को डिफरेंस और सप्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होता है एक नंबर से दूसरे नंबर को निकालना एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना और डिफरेंस होता है दोनों नंबरों के बीच अंतर कितना है ठीक है देखिए अब किस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ फाइव और टू के बीच दूरी तो फाइव टू के बीच दूरी कितनी है थ्री इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव माइनस टू तो ये भी थ्री बन जाएगा तो सर सेम तो है अब देखिए अगर सेम है नेक्स्ट में देखिए अगर मैं टू और फाइव के बीच दूरी देखूंगा तो सॉरी अंतर देखूंगा तो टू और फाइव के बीच अंतर कितने थ्री लेकिन याद रखना जब बात सप्ट्रैक्ट की आती है तो जहाँ पे टू माइनस फाइव करेंगे तो फिर जहाँ पे थ्री ही आना चाहिए माइनस थ्री क्यों आता है क्योंकि माइनस बड़ी टर्म के साथ लगा है तो माइनस थ्री आएगा अब नेक्स्ट टाइम याद रखना हमेशा सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस सेम नहीं होता ठीक है सब्ट्रैक्ट होता है एक नंबर में से दूसरे नंबर को बाहर निकालना और डिफरेंस होता है दोनों नंबरों के बीच अंतर कितना है फिर चाहे आप ये देख लो टू फाइव से कितना कम है थ्री कम है या फाइव टू से कितना ज़्यादा है तो वो भी थ्री ही ज़्यादा है जहाँ पे अब ये याद रखना जब बात डिफरेंस की होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और सब्ट्रैक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म बड़ी टर्म कौन सी है बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा लगा है उसके अकॉर्डिंग ठीक है चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं अब डिफरेंस क्या होगा जब डिफरेंस करेंगे तो एक्स माइनस बाई होगा या बाई माइनस एक्स होगा ठीक है डिफरेंस होता है अंतर तो एक्स माइनस बाई किसके इक्वल है दिया गया है नाइन के तो हमें बताओ हमने बताना है वो दोनों नंबर यानी कि एक्स और बाई की वैल्यू ये आपके सामने दो इक्वेशने बनकर आई हैं लीनियर जहाँ पे प्लस का बाई है माइनस का बाई है सिंपल सिंपल काट दो यहीं पे। तो एक्स और एक्स करेंगे टू एक्स बन जाएगा सम होगा तो फोर्टी फाइव में नाइन ऐड करेंगे तो फिफ्टी फोर बन जाएगा तो जहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फिफ्टी फोर बाय टू तो टू इंटू ट्वेंटी सेवन करेंगे फिफ्टी फोर बन जाएगा एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी सेवन ठीक है एक्स आ गया हमारा ट्वेंटी सेवन अब इस एक्स की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए चाहे आप सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए आंसर दोनों से सेम ही बनेगा ठीक है हम फर्स्ट लेकर चलते हैं एक्स प्लस वाई आपका फोर्टी फाइव है तो एक्स आ गया आपका ट्वेंटी सेवन तो बाई की वैल्यू क्या होगी तो बाई निकालेंगे तो फोर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन इस साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा तो फोर्टी फाइव में ट्वेंटी सेवन निकलेगा तो बाई की वैल्यू आ जाएगी एटीन ठीक है एक्स आ गया ट्वेंटी सेवन और बाई आ गया एटीन एक्स और बाई की दोनों की वैल्यू आ गई ट्वेंटी सेवन और एटीन अगर अब हम चेक करना चाहें तो एक्स एक्स जहाँ पर दीजिए एक्स आपका ट्वेंटी सेवन है प्लस बाई की वैल्यू कितनी है एटीन तो ट्वेंटी सेवन और एटीन ऐड करेंगे फोर्टी फाइव बन जाएगा बिल्कुल और सेकंड कंडीशन देखिए इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थी एक्स माइनस बाई इक्वल टू नाइन तो एक्स आपका है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन में बाई आपका है एटीन तो ट्वेंटी सेवन में से एटीन माइनस करोगे तो नाइन ना आ जाएगा बिल्कुल आपकी एक्स और बाई की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी सेवन और एटीन ट्वेंटी सेवन और एटीन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज सेवनटी टू कहते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट सेवनटी टू है तो द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर उन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर बताइए ठीक है, है पहले तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है नेचुरल नंबर के कौन से ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर कौन से होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सोवन ठीक है अब वर्ड है कांजी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले ठीक है अब टू कॉन्जिक्यूटिव दो सात साथ वाले नंबर चाहे आप इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो ठीक है आप किसी को भी ले लो जब बात नेचुरल की होगी तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से वन ज्यादा होगा एक वैल्यू उसकी एक यूनिट ज्यादा होगा जैसे टू और थ्री ले लू तो टू और थ्री में क्या डिफरेंस है एक का ठीक है तो अब मैं लेट कर लेता आप किसी को भी ले लो फोर फाइव सिक्स सेवन किसी को भी दो नंबरों को ले लो ठीक है तो मैं लेट कर लेता हूँ बस इतना याद रखना एक नंबर पहले वाले से मतलब दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा वन का सेकंड नंबर फर्स्ट से वन ज्यादा होगा ठीक है तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर अगर मैं फर्स्ट नंबर को लेट कर लूँ एक्स आप ये मान लो टू और थ्री है टू को मैं मान लूँ एक्स तो थ्री क्या बनेगा एक्स प्लस वन ठीक है आपने ये चीज़ याद रखनी है कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है साथ साथ वाले ठीक है अब फर्स्ट नंबर को मैंने एक्स मान लिया तो सेकंड नंबर क्या होगा एक्स प्लस वन होगा ठीक है अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट तो हम इनको प्रोडक्ट करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन हमारे आइडिए से बन जाएगा हमारे हिसाब से बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन बट उन्होंने प्रोडक्ट दी है गिवन कितनी सेवनटी टू तो ये बन जाएगा इक्वल टू सेवनटी टू तो जहाँ से x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू वन करेंगे तो प्लस एक्स बन जाएगा 72 टू इस साइड लाएंगे तो माइनस सेवनटी टू बन जाएगा इक्वल टू जीरो आपकी इक्वेशन की शेप बन गई ठीक है जहां से आपने क्या करना है एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सेम रहेगा अब आपने क्या करना है ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने से टू एक्स स्क्वेयर बनाए मतलब माइनस भी है साथ में और प्लस माइनस करने से एक्स बनाए ठीक है तो आप जहां से मैं आपको सिंपल बता देता हूँ आप क्या करिए सेवेंटी टू के फैक्टर ढूंढ लिए सेवनटी टू किस किसके टेबल में आता है ये देखिए वन इंटू सेवनटी टू में ठीक है टू इंटू थर्टी सिक्स में थ्री इंटू ट्वेंटी फोर में फोर इंटू एटीन में फाइव के टेबल में नहीं आएगा सिक्स इंटू ट्वेल्व में आएगा ठीक है इसी तरह से एट इंटू नाइन में भी आएगा एट इंटू नाइन में भी ठीक है अब देखिए हमने देखना क्या था अब आपको पता है नंबर कौन से कॉन्जिक्यूटिव तो वन और सेवेंटी टू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं सात सात वाले जिसमें एक का डिफरेंस हो तो एट और नाइन में वन का डिफरेंस है ठीक है तो जहाँ पर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स माइनस एट एक्स नाइन एक्स में से एट एक्स जाएगा तो एक्स बन जाएगा नाइन इंटू एट सेवेंटी टू बन जाएगा ठीक है तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र भी बन जाएगा माइनस सेवेंटी टू इक्वल टू जीरो तो जहाँ से एक्स का आ जाएगा तो एक्स प्लस नाइन बन जाएगा माइनस एट का आ जाएगा तो एक्स प्लस नाइन बन जाएगा ठीक है तो जहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एट की एट की बन जाएगी प्लस एट और प्लस नाइन का बन जाएगा माइनस नाइन अब नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एट ठीक है एक्स आ गया आपका एट जिसको हमने फर्स्ट नंबर माना था यानी कि एक्स बन गया आपका एट और एक्स प्लस वन बन जाएगा एट प्लस वन करेंगे नाइन एक नंबर आपका आठ बन गया एक नंबर आपका नौ बन गया ठीक है हमने बताना क्या है द ग्रेटर नंबर तो ग्रेटर नंबर दोनों में क्या है नाइन नाइन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए इसे मैं ट्रिक से भी बता देता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबरों की प्रोडक्ट है सेवनटी टू बस आप इतना याद रखना कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है साथ साथ वाले ऐसे दो नंबर जो साथ साथ हो ठीक है तो अब सेवनटी टू के फैक्टर क्या है अगर आपका मैथामेटिक्स तेज़ है तो आप डायरेक्ट निकालोगे ठीक है जिनका वीक है वो भी इस चीज़ को समझ लीजिए सेवनटी टू वन इंटू सेवनटी टू में आएगा ठीक है तो ये वन और सेवनटी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है क्योंकि कॉन्जीक्यूटिव कौन से होते हैं जो बिल्कुल साथ साथ हो जैसे टू थ्री फोर फाइव एटीन नाइनटीन ठीक है और टू के टेबल में भी 72 टू आता है तो थर्टी सिक्स इंटू टू अब टू इंटू थर्टी सिक्स भी नहीं है कॉन्जिक्यूटिव इसी तरह से सो आपने फैक्टर बनाते जाने हैं एक फैक्टर ऐसा होगा जो एट और नाइन में भी आएगा ठीक है एट इंटू नाइन करेंगे सेवेंटी टू यानी कि एट और नाइन अब देखिए एट इंटू नाइन करेंगे 72 टू एट और नाइन कॉजिक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर भी है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन से होते हैं एन और एन प्लस N अगर आपका एट है तो एन प्लस वन आपका नाइन है बिल्कुल तो छोटा नंबर आपका एट है बड़ा नंबर आपका नाइन है तो हमने बताना कौन सा ग्रेटर बड़ा नंबर तो इसका राइट right आंसर होगा नाइन ठीक है आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गई हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स दो नंबरों का सम है ट्वेंटी सेवन फाइव टाइम्स वन नंबर इज इक्वल टू फोर टाइम्स द अदर द स्मॉलर ऑफ़ द टू नंबर इस तरह का क्वेश्चन एक मैंने ऑलरेडी करवा भी दिया है ठीक है लेकिन फिर देख लीजिए दोबारा द सम ऑफ टू नंबर दो नंबरों का सम है तो मैं लेट कर लेता हूँ दोनों नंबरों को एक एक्स है और दूसरा वाई है तो इन दोनों नंबरों का सम करेंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा ठीक है और वो है कितना ट्वेंटी सेवन जो आपकी एक कंडीशन बन गई सेकंड बोलता है फाइव टाइम वन नंबर इज इक्वल टू फोर टाइम द अदर फाइव टाइम फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर है एक्स जो इक्वल है फोर टाइम अदर के फोर टाइम ऑफ बाई के तो जहां से x की वैल्यू निकल जाएगी फोर बाई फाइव बाई ठीक है यही आप x की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए तो ये बन जाएगा फोर बाय फाइव बाई प्लस बाई इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तो यहाँ से बन जाएगा फोर बाई प्लस फाइव बाई बाय एल्शियम फाइव आ जाएगा इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी फाइव बाई और फोर बाई करेंगे तो नाइन बाई आ जाएगा इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इंटू फाइव करेंगे तो वन थर्टी फाइव आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से नाइन इंटू फिफ्टीन से कट जाएगा तो बाई की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट एक्स प्लस बाई ट्वेंटी सेवन है एक्स प्लस बाई आप ट्वेंटी सेवन है तो बाई की वैल्यू आ गई है आपकी फिफ्टीन तो ट्वेंटी सेवन बनाने के लिए एक्स की वैल्यू हम कितनी डालेंगे तो एक्स की वैल्यू हम डालेंगे ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन करेंगे तो बन जाएगा ट्वेंटी सेवन यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेल्व और वाई की वैल्यू आ गई फिफ्टीन पूछा गया है द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर दोनों नंबरों में स्मॉलर कौन सा है स्मॉलर कौन सा ट्वेल्व तो ट्वेल्व होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स दो नंबरों के बीच अंतर है 18 का इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वेयर और उनके स्क्वेयर का डिफरेंस है थ्री सिक्सटी का ठीक है फाइंड द लार्जर नंबर तो बताओ उन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर क्या है तो देखिए दो नंबरों का डिफरेंस है हम लेट कर लेते हैं दोनों नंबरों का एक एक्स है और दूसरा बाई है तो इनका डिफरेंस करेंगे तो एक्स माइनस बाई वन जाएगा जो एटीन के इक्वल है ठीक है नेक्स्ट है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वेयर्स और उनके स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे दोनों नंबरों का तो एक्स स्क्र और बाई स्क्वेयर आ जाएगा और इनका डिफरेंस कितना है थ्री सिक्सटी अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगा तो वो आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी के ऊपर होगा ठीक है इसी तरह से देखिए एक्स स्क्र माइनस बाई स्क्वेयर है आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस बाई और ये है किसके ऊपर थ्री सिक्सटी के जहाँ पे आपकी कंडीशन फर्स्ट बनी थी x माइनस वाई इक्ल टू एटीन तो x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं जहाँ पे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एटीन इक्ल टू थ्री सिक्सटी ठीक है तो एटीन इंटू टू करेंगे थर्टी सिक्स और ट्वेंटी से करेंगे तो जीरो भी कट जाएगा तो जहाँ से x प्लस वाई की आपकी वैल्यू आ गई ट्वेंटी ठीक है ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन अब एक क्वेश्चन आपके पास बन गई है एक्स प्लस वाई एकल टू ट्वेंटी और फर्स्ट क्वेश्चन थी एक्स माइनस वाई एकल टू एटीन ठीक है अब एक प्लस का वाई है एक माइनस का वाई है दोनों कट जाएंगे तो एक्स और एक्स टू एक्स बन जाएगा ट्वेंटी और एटीन करेंगे तो थर्टी एट हो जाएगा तो जहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी थर्टी एट बाई टू कट जाएगा ये नाइनटीन से तो जहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई नाइनटीन एक्स अगर आपका नाइनटीन है ठीक है तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एटीन तो एक्स अगर नाइन्टीन है तो नाइनटीन में सॉरी नाइनटीन में कितना माइनस करें आपका एटीन बन जाएगा तो नाइनटीन में सिंपल वन माइनस कर दो तो एटीन बन जाएगा तो इसका मतलब बाई की वैल्यू क्या होगी वन बाई की वैल्यू होगी वन एक्स आ गया आपका नाइनटीन बाई आ गया आपका वन अब पूछा क्या है फाइंड द लार्जर नंबर तो लार्जर नंबर क्या है नाइनटीन नाइन्टीन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर इसी क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर भी पूछा होता तो स्मॉलर नंबर था आपका वन ठीक है लार्जर नंबर पूछा है तो नाइनटीन है स्मॉलर होता तो वन आएगा अगर दोनों पूछ लेते तो नाइनटीन और वन आ जाना दोनों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स दो नंबरों का सम है ट्वेंटी फाइव एंड द प्रोडक्ट इज और उनकी प्रोडक्ट है वन थर्टी सिक्स दैन द सम ऑफ देयर क्यूब्स और उनके क्यूब का सम क्या होगा वो बताना है ठीक है तो हम लेट कर लेते हैं दोनों नंबरों को एक्स और वाई एक्स और बाई दो नंबर हैं जिनका सम सम कितना है ट्वेंटी फाइव तो जब बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ठीक है एंड द प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू बाई करेंगे तो एक्स बाई बन जाएगा ठीक है वो है वन थर्टी सिक्स देन द सम ऑफ देयर क्यूब्स और उनके क्यूब सम के क्यूब uh, के सम क्या होगा तो उनका क्यूब करेंगे दोनों का तो एक का बन जाएगा एक्स क्यूब और दूसरे का बन जाएगा वाई क्यूब और इनका सम पूछा है ठीक है एक आइडेंटिटी है अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा हो ठीक है ए क्यूब और बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या कहती है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ठीक है एक आइडेंटिटी ये है इसकी और दूसरी आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की है ए प्लस बी इंटू ए स्केर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी ये दोनों आइडेंटिटी इसी की है ठीक है तो आपने क्या करना है आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आइडेंटिटी सिंपल दिखे वो लगा देनी है ठीक है अब आपको एक्स प्लस बाई दिया है और एक्स बाई दिया है यानी कि ए प्लस बी भी दिया है और ए बी भी दिया है इसमें आपको ए प्लस बी ए बी ए प्लस बी सिंपल दोनों वैल्यू दी है सॉल्व हो जाएगी इसके लिए आपको ए प्लस बी दिया है ए बी भी दिया है बट ए स्केयर प्लस बी स्केयर नहीं दिया है तो जहाँ फिर आप ए प्लस बी का होल स्केर करके ए स्केयर प्लस बी स्केयर बना लो ठीक है तो आप क्या करें हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम एक्स बाई इंटू एक्स प्लस वाई ठीक है तो ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वेंटी फाइव का क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स वाई है आपका वन थर्टी सिक्स इंटू एक्स प्लस वाई है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव का क्यूब करेंगे तो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव करें ट्वेंटी फाइव का क्यूब आ जाएगा हमारा वन फाइव सिक्स टू फाइव और माइनस करेंगे थ्री इंटू वन थ्री सिक्स इंटू ट्वेंटी और ये बन जाएगा वन ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो और इन दोनों को सप्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइव फोर टू फाइव ठीक है फाइव फोर टू फाइव मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड वाली आइडेंटिटी से भी करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सेकंड आइडेंटिटी देखिए सेकंड आइडेंटिटी में क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी तो अकॉर्डिंग टू एक्स बाई से क्या बनेगा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्केयर प्लस बाई स्केयर माइनस एक्स बाई ठीक है अब ये एक्स स्केयर प्लस बाई स्केयर कहाँ से लाएंगे देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बनी है एक्स प्लस बाई इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हम क्या करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे तो एक्स प्लस बाई का होल स्केयर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्केयर क्या कहता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या बनेगा एक्स स्केयर प्लस बाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई ठीक है इक्वल हो जाएगा ये ट्वेंटी फाइव का स्केयर करेंगे तो सिक्स टू फाइव अब तो जहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू टाइम एक्स वाई गिवन है हमारे पास कितना वन थर्टी सिक्स और ये इक्वल हो जाएगा सिक्स टू फाइव के तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सिक्स टू फाइव माइनस वन थर्टी सिक्स इंटू टू करेंगे तो टू सेवनटी टू बन जाएगा तो जहाँ से फाइव में से टू जाएगा थ्री आ जाएगा वैल्यू में सेवन जाएगा तो फाइव आ जाएगा फाइव में टू जाएगा तो थ्री आ जाएगा ठीक है तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री फाइव थ्री तो जहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्यर हमारा निकल के आया थ्री फाइव थ्री माइनस एक्स वाई कितना है वन थर्टी सिक्स अब थ्री फाइव थ्री में वन थर्टी सिक्स माइनस करेंगे तो थर्टीन में से सिक्स निकलेगा सेवन आ जाएगा फोर में से थ्री जाएगा वन थ्री में से वन जाएगा टू तो ये बन जाएगा हमारा ट्वेंटी फाइव इंटू टू वन सेवन तो सेम हमारा आंसर फाइव फोर टू फाइव आ जाएगा देखो मैंने इस क्वेश्चन को दोनों आइडेंटिटी से करवा दिया है ठीक है एक एक और सिंपल ट्रिक है वो क्या है कि ऐसे दो नंबर देखो जिनका सम ट्वेंटी फाइव बने और उनकी मल्टीप्लाई थर्टी सॉरी वन थर्टी सिक्स बने लेकिन इसके लिए बहुत ही आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए बहुत तेज़ होनी चाहिए ठीक है ताकि आप देख के ही आंसर निकाल लो बट वो कंडीशनें तब बनती हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो आपने काफ़ी मेहनत की हो मैथ पे लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको मैं इतना बता देता हूँ मैंने आपको दोनों आइडेंटिटी से करवा दिया है अब बेसिक मतलब आपका स्ट्रांग होगा कैलकुलेशन स्ट्रांग करो ठीक है और आपको अच्छे से समझ आ रही होगी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ फोर्टी दो नंबरों का सम है फोर्टी एंड देयर प्रोडक्ट और उनकी मल्टीप्लाई है सिक्सटी द सम ऑफ देयर रेसी तो बताओ उनके रैसी का सम क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ पहले रेसी होता क्या है ठीक है जैसे दो नंबर मान लेता हूँ एक एक्स है और दूसरा वाई है तो एक्स का रेसी होगा वन बाई एक्स और वाई का रेसी प्रोकोल होगा वन बाई बाई और इनका सम ये पूछा है उन्होंने ठीक है तो हम लेट कर लेते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स दो नंबर है एक एक्स मान लेते हैं और दूसरा वाई है ठीक है तो सम करेंगे इनका एक्स प्लस वाई और वो दिया गया है कितना फोर्टी एंड देयर प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट एक्स इंटू बाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स बाई ये बन जाएगा हमारा सिक्सटी ठीक है तो पूछा क्या है रेसी प्रोको रेसी प्रोकोल पूछ रहा है यानी कि वन बाई एक्स प्लस वन पूछा है तो जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा बाई प्लस एक्स और नीचे एक्स इंटू बाई करेंगे तो एक्स बाई आ जाएगा ठीक है तो इसी को बाई प्लस एक्स या एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं हम तो एक्स प्लस बाई बाय एक्स बाई, बाई अब x प्लस बाई हमारे पास है 40 और एक्स वाई भी है 60 तो x प्लस बाई कितना है 40 और एक्स बाई कितना है 60 जीरो से जीरो टू इंटू टू फोर थ्री इंटू टू सिक्स टू बाई थ्री ये आ गया इन दोनों नंबरों के सम का रेसी प्रोकर टू बाई थ्री होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ टू नंबर इज ट्वेंटी दो नंबरों का सम है ट्वेंटी एंड देयर प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट है नाइन्टी सिक्स बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर तो दोनों नंबरों का डिफरेंस बताना है ठीक है तो मैं लैक्ट कर लेता हूँ दोनों नंबरों को एक्स और बाई कंडीशन फर्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर यानी कि एक्स प्लस वाई करेंगे तो वो है ट्वेंटी और दोनों की प्रोडक्ट एक्स इन टू वाई एक्स वाई बन जाएगा और वो इक्वल होगा नाइन्टी सिक्स के तो हमने बताना है बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर हमने बताना है एक्स माइनस वाई क्या होगा ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्राइट से करते हैं पहले ठीक है अब 96 मल्टीप्लाई करने से यानी कि x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा और x प्लस वाई करेंगे तो 20 बनेगा x और y हम ऐसा क्या लें कि प्लस करने से 20 बने और मल्टीप्लाई करने से 96 तो पहले ये देखिए 96 किस किस के टेबल में आता है ठीक है तो 96 सिक्स टू इंटू में आएगा अब 2 और 48 को प्लस करेंगे तो 20 नहीं बनेगा जबकि कंडीशन ये है कि प्लस करने से ट्वेंटी बनना चाहिए अब थ्री के टेबल में ट्वेंटी थ्री इन्टू थर्टी टू आएगा तब भी थर्टी टू और थ्री को प्लस करने से ट्वेंटी नहीं बनेगा ठीक है अब फोर के टेबल में फ़ोर इंटू ट्वेंटी फोर आएगा तो ट्वेंटी फोर और फोर को सम करेंगे तो ट्वेंटी एट बन जाएगा जबकि ट्वेंटी बनना चाहिए ठीक है फिर इसी तरह से फाइव के टेबल में नहीं आएगा सिक्स के टेबल में आ जाएगा सिक्सटीन तो सिक्सटीन और सिक्स करेंगे बन जाएगा ट्वेंटी टू जबकि ट्वेंटी फिर भी नहीं बना इसी तरह से 7 के टेबल में नहीं आएगा एट तो बिल्कुल ट्वेल्व और एट को सम करने से ट्वेंटी बन रहा है ठीक है अब देखो अगर एक्स को मैं एट ले लूँ चाहे ट्वेल्व ले लूँ ठीक है एट ले लूँ चाहे ट्वेल्व ले लूँ और बाई को सेकंड लेना फर्स्ट पड़े, कंडीशन क्या थी एक्स प्लस बाई तो एक्स प्लस बाई करेंगे एट और ट्वेल्व करेंगे ट्वेंटी बन जाएगा बिल्कुल पहली कंडीशन सेटिस्फाई दूसरी देखिए एक्स इंटू बाई तो एक्स इंटू बाई ट्वेल्व इंटू एट करेंगे तो हम ट्वेल्व इंटू एट को ही किया है तो नाइन्टी सिक्स बना है ठीक है तो एक्स बाई करने से नाइन्टी सिक्स भी बन गया तो हमने बताना क्या है दोनों का डिफरेंस एट और ट्वेल्व का डिफरेंस कितना है फोर तो फोर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप कि आपको हिट एंड ट्राई समझ आ गया हो लेकिन हम इसे बेसिक से भी कर लेते हैं ठीक है देखिए बेसिक से सम ऑफ टू नंबर्स दो नंबरों का सम है जिनको हमने लेट कर लिया दोनों नंबरों को एक एक्स है और दूसरा बाई है ठीक है तो सम करेंगे एक्स प्लस बाई क्या है ट्वेंटी और प्रोडक्ट क्या है एक्स बाई करेंगे तो नाइन्टी सिक्स तो डिफरेंस बताना है ठीक है एक आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर करेंगे तो वो होगा ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस फोर टाइम ए बी ठीक है तो ये आइडेंटिटी जहाँ पे लगाएंगे हमने निकालना क्या डिफरेंस तो जहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्यर माइनस फोर टाइम एक्स वाई ठीक है बट हमने निकाल जहाँ पे बन जाएगी वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्केयर करेंगे तो ट्वेंटी का स्क्यर माइनस फोर टाइम एक्स बाई क्या है नाइन्टी सिक्स ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस बाई का होल स्केयर तो ट्वेंटी का स्केयर करेंगे फोर हंड्रेड बन जाएगा नाइन्टी सिक्स इंटू फोर करेंगे तो बन जाएगा थ्री फोर तो फोर हंड्रेड में थ्री फोर करेंगे तो बन जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस बाई के होल स्केयर से होल स्केयर के ठीक है बट हमने निकालना है डिफरेंस सिर्फ एक्स माइनस बाई निकालना है ठीक है तो स्क्वेयर इस साइड आएगा तो वो अनरूट में बदल जाएगा सिक्सटीन का अनरूट क्या होता है फोर तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर फोर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विच आर इन द रेशो फाइव रेशो थ्री इज फिफ्टी दो नंबर हैं जिनकी रेशो है फाइव और थ्री और उनका डिफरेंस है फिफ्टी वट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर तो बताओ उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई क्या होगी तो रेशो दी गई है दोनों नंबरों की फाइव और थ्री की मैं लेट कर लेता हूँ दोनों नंबरों को एक फाइव एक्स है और एक थ्री एक्स है और इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है फिफ्टी लेकिन हम डिफरेंस करेंगे तो ये बन जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स ठीक है तो फाइव एक्स और थ्री एक्स में डिफरेंस कितना होगा टू एक्स का हमारे आइडिए से टू एक्स आएगा लेकिन उन्होंने डिफरेंस दे दिया फिफ्टी तो टू एक्स फिफ्टी के इक्वल होगा जहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टी बाई टू यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फाइव अब एक्स की वैल्यू ट्वेंटी फाइव है जो फर्स्ट नंबर हमने लेट किया है फाइव एक्स से, है सेकेंड है थ्री एक्स तो फर्स्ट फाइव एक्स एक्स अगर ट्वेंटी फाइव है तो फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव करेंगे तो बन जाएगा वन ट्वेंटी फाइव और सेकंड नंबर इसको लैक्ट किया थ्री एक्स तो जब जाएगा 3 into 25, बन जाएगा थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव बन जाएगा सेवेंटी फाइव एक नंबर है वन ट्वेंटी फाइव और दूसरा नंबर है सेवनटी फाइव और पूछा इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट क्या होगी तो दोनों नंबरों की प्रोडक्ट करेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव करेंगे तो आंसर आ जाएगा नाइन थ्री सेवन फाइव होगा इस क्वेश्चन क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, और उनका है तो बताओ सेकंड और फिफ्थ नंबर का सम क्या होगा तो मैं लेट कर लेता हूँ सभी नंबरों को रेशो दी गई है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो मैं लेट कर लेता हूँ फर्स्ट नंबर को वन एक्स यानी कि एक्स है सेकेंड आपका टू एक्स है थर्ड आपका थ्री एक्स है फोर एक्स है और लास्ट आपका फाइव एक्स है ठीक है और बोला क्या है इनका सम कितना है थर्टी हम सम करेंगे इन सबका वन टू थ्री थ्री सिक्स फोर टेन और वन फिफ्टीन हमारे आइडिया से फिफ्टीन एक्स बनेगा सम बट उन्होंने सम दिया है थर्टी तो फिफ्टीन एक्स इक्वल टू थर्टी के ऊपर हो जाएगा ठीक है तो जहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी थर्टी बाय फिफ्टीन तो फिफ्टीन इंटू टू करेंगे तो थर्टी बन जाएगा एक्स आ गया हमारा टू अब एक्स फर्स्ट मानना है तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया टू सेकंड आपका टू एक्स है तो एक्स की वैल्यू टू है तो टू इंटू टू करेंगे फोर थर्ड आ जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स फोर इंटू टू एट फाइव इंटू टू टेन आप चेक कर सकते हो इन सबको सम करके थर्टी बनता है या नहीं ठीक है अब पूछा क्या है सम ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ नंबर तो सेकंड नंबर आपका फोर है फिफ्थ नंबर आपका टेन है तो इन दोनों का सम कितना होगा फोर प्लस टेन फोर प्लस टेन करेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा फोर्टीन होगा इसका राइट right आंसर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे ट्रिक से देखिए कैसे आपको रेशो दी गई है वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि वन रेशो टू रेशो थ्री रेशो फोर रेशो फाइव और इनका सम दिया गया है थर्टी हम सम हम रेशो का सम कर लेंगे तो यह बनेगा फाइव फोर नाइन थ्री ट्वेल्व टू फोर्टीन और वन फिफ्टीन रेशो का सम बनेगा फिफ्टीन बट सम कितना है थर्टी तो फिफ्टीन इक्वल टू थर्टी हो जाएगा फिफ्टीन अगर थर्टी के बराबर है तो वन की वैल्यू आ जाएगी टू अगर वन की वैल्यू टू है तो सेकंड नंबर सेकंड नंबर जिसकी रेशो है टू अगर वन आपका टू के ऊपर है तो टू किसकेक्वल होगा फोर के ठीक है सेम फिफ्थ नंबर फाइव अगर वन आपका टू के उक्ल है तो फाइव किसके होगा फाइव होगा आपका टेन के ओक्ल तो सेकंड और फिफ्थ का सम सम है फोर और टेन तो टेन और फोर करेंगे फोर्टीन आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो ठीक है फिर आपको कहना पड़ रहा है कि अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें यार ठीक है ताकि जिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रही है वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा ले सके और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में भी ज़रूर कमेंट करना कि कैसी वीडियो बन रही है कैसा आपको मतलब कंटेंट मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ थर्टीन अगर दो नंबरों का सम थर्टीन हो एंड द सम ऑफ देयर स्क्यर और उनके स्क्यर का सम नाइन्टी सेवन हो तो बट इज़ देयर प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट क्या होगी तो हम लेट कर लेते हैं दोनों नंबरों को एक्स और बाई कंडीशन क्या है इफ़ द सम ऑफ टू नंबर अगर दोनों नंबरों का सम थर्टीन हो तो सम करेंगे बन जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस बाई थर्टीन हो सम ऑफ देयर स्क्वेयर उनके स्क्वेयर का सम यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना हो नाइनटी सेवन तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगी दोनों नंबरों की एक्स इंटू बाई जान की एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी ठीक है मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूँ अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दिया गया हो ठीक है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दिया गया हो तो आप इसे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस टू टाइम ए बी भी लिख सकते हो ठीक है थीके? तो इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे इसमें ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस बाई का होल स्क्र माइनस टू टाइम एक्स बाई ठीक है अब एक्स स्क्यर प्लस बाई स्क्वेयर दिया गया है नाइन्टी सेवन एकवल टू एक्स प्लस बाई दिया गया है थर्टीन तो थर्टीन का स्क्वेयर बन जाएगा माइनस टू टाइम एक्स वाई हमने एक्स वाई निकालना है ठीक है तो जब बन जाएगा नाइन्टी सेवन इक्वल टू थर्टीन का स्केयर करेंगे 169 minus 2xy. तो वन सिक्सटी नाइन माइनस टू एक्स वाई तो टू एक्स वाई को आप इस साइड ले आइए ये माइनस का था टू एक्स वाई और इस साइड आकर प्लस का हो गया ये वन सिक्सटी नाइन अपने घर में रहा और नाइन्टी सेवन इस साइड लाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा ठीक है तो टू एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी सेवनटी टू तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी सेवेंटी टू बाई टू टू से कटेगा थर्टी सिक्स टाइम तो एक्स बाई आ गया आपका थर्टी सिक्स यानी कि दोनों नंबरों की प्रोडक्ट जो हमने निकालनी थी वो कितनी थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ टू बाय थ्री पार्ट ऑफ पिज्जा मुंह में पानी तो नहीं आ रहा पिज्जा का नाम सुन के इफ टू बाई थ्री पार्ट ऑफ पिज्जा कास्ट आर एस थ्री हंड्रेड कहता है टू बाय थ्री पार्ट मतलब तीन टोटल हैं तीन में से दो पार्ट का जो कास्ट है वो थ्री हंड्रेड है देन थ्री बाई फिफ्थ पार्ट ऑफ ए पिज्जा बिलकास्ट तो उस पिज्जा का थ्री फिफ्थ पार्ट का प्राइस क्या होगा ठीक है देखिए टू बाय थ्री टू बाई थ्री का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है टोटल पिज्जा थ्री है तो थ्री में से टू का रेट जो है वो थ्री हंड्रेड है दोबारा समझ लीजिए नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है टोटल पिज्जा थ्री है तो थ्री में टू का रेट है थ्री हंड्रेड ठीक है थ्री में से टू पार्ट अब जे थ्री पिज्जा तीन नहीं है पिज्जा एक ही है उसे थ्री में मतलब बांटा गया है नीचे वाली वैल्यू होगी टोटल थ्री में से टू जहा जे समझ लो एक पिज्ज़ा है जो तीन पार्ट में डिवाइड है ऐसे समझ लो एक दो और तीन तीन पार्ट में डिवाइड है कहता है तीन में से दो पार्ट यानी कि इतने पिज्जा का ये जो पार्ट है इतने पिज़्ज़ा का रेट है थ्री हंड्रेड ठीक है तो तीन में से दो दो का रेट है थ्री हंड्रेड तो एक का कितना होगा थ्री हंड्रेड बाय टू यानी कि वन फिफ्टी अगर एक का मतलब तीन में अगर एक वन फिफ्टी है तो दूसरा भी वन फिफ्टी होगा और तीसरा भी वन फिफ्टी होगा अगर एक वन फिफ्टी है तो टोटल पिज़्ज़ा है थ्री तो तीन कितना होगा फोर फिफ्टी ठीक है वन फिफ्टी इंटू थ्री कर लो फोर फिफ्टी बन जाएगा अब जो टोटल पिज्ज़ा है फोर फिफ्टी का ठीक है तो बताओ थ्री बाय फाइव थ्री फिफ्थ पार्ट यानी कि फाइव में से तीसरा पार्ट कितने का होगा तो टोटल फोर फिफ्टी है तो फोर फिफ्टी इंटू थ्री बाय फाइव कर दीजिए तो सीधा फाइव इंटू नाइन फोर्टी फाइव होगा तो नाइन्टी से होगा तो फोर फिफ्टी होगा नाइन्टी इंटू थ्री करेंगे तो टू सेवन जीरो टू सेवनटी तो टू सेवेंटी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शालिनी तनवीर एंड राशिद शेयर ए केक शेयर करते हैं केक को शालिनी हैड वन सिक्स पार्ट ऑफ इट शालिनी के पास वन सिक्स पार्ट है तनवीर के पास वन फोर्थ है एंड जो पार्ट बच जाएगा बचा है वो रिमेनिंग पार्ट यानी कि वो राशिद के पास है तो बताओ बट बत, बाज़ फ्रैक्शन ऑफ राशिद के तो राशिद के केक के की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है ठीक है तो देखिए शालिनी कितना शेयर करती है वन सिक्स पार्ट ठीक है और तनवीर शेयर करता है वन फोर्थ पार्ट टोटल इन दोनों का शेयर कितना होगा टोटल शेयर बोथ का वन सिक्स प्लस वन बाय फोर तो सिक्स और फोर कैल्सियम क्या होगा ट्वेल्व यानी कि सिक्स इंटू टू ट्वेल्व फोर इंटू थ्री तो ये बन जाएगा फाइव बाई ट्वेल्व अब देखिए टोटल केक का पार्ट है ट्वेल्व ट्वेल्व में से फाइव शालिनी और तनवीर शेयर करते हैं ठीक है तो टोटल में से मतलब ट्वेल्व में से फाइव इन दोनों ने शेयर किया तो अगर ट्वेल्व टोटल है फाइव इन दोनों ने शेयर किया बचा कितना सेवन ठीक है तो सेवन किसका ट्वेल्व का तो सेवन बाय ट्वेल्व पार्ट वही उन्होंने पूछा राशिद का तो सेवन बाय ट्वेल्व पार्ट राशिद शेयर करेगा ठीक है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेवन बाय ट्वेल्व क्वेश्चन अभी पाँच छः और भी लेफ्ट हैं बट वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो इसे यहीं पर रोक देते हैं ठीक है आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो पूरी वीडियो की मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें ठीक है और हाँ जो यही नोट्स बनाना चाहते हैं जब बना रहे है, 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 हैं या जिनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए ठीक है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है स्टडी एक्सप्लोजन सेम नाम है चैनल और टेलीग्राम का ठीक है और ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना ठीक है और मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन इस को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है क्लास आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सो so, आज के लिए इतना ही ठीक है थैंक यू क्लास